अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज हम दोबारा आपके सामने पेश हुए हैं चिकन कढ़ाई लेके। आज हम चिकन कढ़ाई बनाएंगे एक इजी वे के साथ, कोई इतना टफ नहीं है। ऐसा तरीका आपको बताएंगे जो आप इजीली तैयार कर सकेंगे, झटपट तैयार करेंगे और अच्छा लगेगा, आपको टेस्ट भी आएगा। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर ऑयल डालेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर पेस्ट डालेंगे। इस पेस्ट के अंदर हमने मिक्स किया है साबुत सूखा धनिया, अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट जो है ना बना लिया। इसको हमने ग्राइंड किया है, ग्राइंड करके हमने ऑयल के अंदर डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। दोबारा सुन लें, अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्चें और साबुत सूखा धनिया, इसको डाल के हमने एक ये पेस्ट तैयार किया। पेस्ट को हमने ऑयल के अंदर रख दिया है और अब ये फ्राई हो रहा है। और इसके साथ ही हमने प्याज को ब्राउन करके रख लिया हुआ है पहले, और उसको भी ग्राइंड कर लेंगे। प्याज को भी ग्राइंड करेंगे। ये एक अलग पेस्ट है और अब हम प्याज को डाल रहे हैं ग्राइंड करने के लिए। जी तो दोस्तों, ये चेक करें, ये प्याज का पेस्ट तैयार हो चुका है। और यहाँ ये पेस्ट जो है ना फ्राई हो रहा है। दोस्तों चेक करें, इसकी अच्छी तरह बनाई हो चुकी है और इसकी मसाले की एक खूबसूरत सी जो है ना खुशबू आ रही है। अब हम इसके अंदर चिकन डालेंगे, हाफ के जी चिकन डालेंगे। हाफ टी स्पून जो है ना हम नमक का डालेंगे, तो इसको साथ साथ हम मिक्स करते रहेंगे। तो व्यूअर्स चेक करें, इसमें चिकन जो है ना हल्का हल्का फ्राई होना शुरू हो गया हुआ है। ये देखें, चिकन जो है ना फ्राई होना शुरू हो गया, ब्राउन ब्राउन कलर की जो है ना गोटी हो चुकी है। तो व्यूअर्स आप चेक कर सकते हैं, चिकन की अच्छी तरह बनाई हो चुकी है। अब हम इसके अंदर कटिंग किया हुआ टमाटर जो है ना मिक्स कर देंगे, दो टमाटर। ये दो टमाटर हमने इसके अंदर डाल दिए। अब दोबारा बनाई शुरू कर देंगे। देखें अब ये बनाई हो रही है। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके अंदर ताकि ये अच्छी तरह गल जाए, टमाटर वगैरह जो है ना इसके अच्छी तरह गल जाए। फ्यूवर्स जैसे कि आप देखते हैं इसकी अच्छी तरह बनाई हो रही है। अब साथ ही हम थोड़ी सी दालचीनी डालेंगे और थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे। फ्यूवर्स पूरी वीडियो लास्ट में देखिएगा ताकि आपको हर स्टेप का पता हो, कब क्या चीज़ ऐड करनी है ताकि आपको अच्छा रिज़ल्ट मिल सके। और प्लीज़ हमारे चैनल पाकिस्तानी देसी फूड को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हम आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर सकें। पाकिस्तान देसी फूड, पाकिस्तानी देसी फूड पेज को लाजमी सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स चेक करें, टमाटर जो है जो गलना शुरू हो गए हैं। व्यूअर्स दो मिनट के लिए हमने इसको प्रेशर दिया और जो है ना टमाटर जो है ना गलना शुरू हो गया। ये देखें, टमाटर जो है ना बिल्कुल गल चुके हैं अंदर और हल्का हल्का मसाला जो है ग्रेवी टाइप जो है ना तैयार होती जा रही है। और जैसे आपको मैंने पहले बताया था, जो हमने प्याज को फ्राई करके रखा हुआ था इसका एक पेस्ट बना लिया है। अब वो पेस्ट हम अंदर एंड डालेंगे। ये देखें, प्याज को फ्राई किया, फ्राई करके ग्राइंड किया, ग्राइंड करके अब हमने इसके अंदर मिक्स कर दिया। जैसा कि आप देखते हैं इसकी अच्छी तरीके से बनाई चल रही है। अब हम इसमें हाफ चम्मच जो है ना काली मिर्च का डाल देंगे, ब्लैक पेपर,
अब दोबारा बनाई करेंगे। व्यूअर्स, हमने आपको एक ऐसी रेसिपी बताई है जो 20 मिनट के अंदर आप इजीली जो है ना तैयार कर सकते हैं। 20 मिनट के अंदर आपकी चिकन कढ़ाई तैयार होकर आपके सामने आ जाती है। ओनली 20 मिनट्स। जी व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं बनाई चल रही है। अब इसमें हम आधा गिलास पानी का डालेंगे। ये देखें, आधा गिलास पानी का डालेंगे। सो व्यूअर्स, अब हम बनाई करते करते साथ इसमें सब्ज़ मिर्चें और अदरक जो है थोड़ा सा डाल के डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे अदरक और सब्ज़ मिर्चें। जैसा कि आप देख सकते हैं अदरक भी बारीक सा कटा हुआ है और सब्ज़ मिर्चें भी। व्यूअर्स देखें, एक लेमन जो है ना हम इसके अंदर डाल देंगे। और अब हम इसको दम लगाएंगे। अब हम इसको दम पर लगा देंगे। तो व्यूअर्स, फाइनली हमारी चिकन कढ़ाई जो है ना तैयार हो चुकी है। ये देखें, बिल्कुल तैयार है हमारी चिकन कढ़ाई। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल पाकिस्तानी देसी फूड को लाजमी सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें ताकि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकें। बहुत शुक्रिया। ये देखें, साथ हल्की हल्की ग्रेवी के साथ है चिकन जो है ना बिल्कुल। तो व्यूअर्स, फाइनली जो है ना हमारी चिकन कढ़ाई तैयार हो चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी चिकन कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। ओनली 20 मिनट्स में आपकी चिकन कढ़ाई तैयार है। और साथ ही हमने एक धनिया के साथ इसको गार्निश कर दिया खूबसूरती के लिए, और बड़ी ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम अल्लाह का नाम लेके इसे खाना शुरू करेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो पाकिस्तानी देसी फूड हमारे पेज को लाजमी सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को भी लाइक करें, पेज को सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों को भी शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।